विकासखंड विकास नगर के ग्राम पंचायत आदुवाला के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के सामने अपना आक्रोश जाहिर किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एकमात्र ट्यूबवेल है जो कि कृषि भूमि सिंचाई के लिए लगवाया गया था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 10 से 12 सालों से कृषि भूमि को सिंचाई करने वाले ट्यूबवेल से ही ग्रामीणों के पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है, जिसके कारण से बार बार यह ट्यूबवेल खराब हो जाता है और इस ट्यूबवेल में अब इतनी क्षमता नहीं रही जो कि पीने के पानी की आपूर्ति कर पाए। और कहा कि जो थोड़ा बहुत पानी घरों के नलकों से आता भी है उसमें भी रेत और कीड़े देखे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिला प्रशासन भले ही घर घर तक पेयजल पहुंचाने की बात करके कार्य कर रहा हो और स्वच्छ जल हर घर पहुंचाने की बात करता हो, परंतु ग्रामीणों की माने तो धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्यूबवेल आ हुआ है पानी के लिए, बड़ी पानी की दिक्कत है, पानी की बड़ी बड़ी किल्लत हो रही है। ट्यूबवेल हमारे यहाँ सिंचाई विभाग का है, उससे ही हमारे यहाँ पानी कनेक्ट कर रखा है और बड़े परेशानी का हमें जो है उठाना मुकाबला उठाना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, घर में पानी नहीं है, तीन तीन दिन पानी नहीं आ पाता। लोग सिंचाई से परेशान है क्योंकि सिंचाई के साथ ही हमारा कनेक्ट ट्यूबवेल हुआ हुआ है। बड़ी परेशानी का मुकाबला उठाना पड़ रहा है सर पानी से। औरतें बड़ी परेशान हैं, बेचारी टैंकर आते हैं, जब पानी ट्यूबवेल खराब हो जाता है तो टैंकरों से पानी आता है, कई कई दिन नहीं आ पाता। अभी तक मेरे सुनने में तो ऐसा किसी ने नहीं बताया कि भाई कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है ट्यूबवेल, और यह ट्यूबवेल का अभी टेंडर हो चुका है, अभी टेंडर नहीं हुआ है। लेकिन जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जल संस्थान विभाग द्वारा हमको बता दिया गया है कि आपकी ग्राम सभा में भी एक पेयजल का ट्यूबवेल स्वीकृत हो गया है, जिसमें ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य भी होना है। और ओवरहेड टैंक जो है उसके लिए और पेयजल ट्यूबवेल के लिए विभाग द्वारा हमको बताया गया था कि 125 बीघा के करीब हम लोगों को जमीन की उपलब्धता ग्राम पंचायत कराएगी।